हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 6 Ppsspp गेम्स जिनकी ग्राफिक क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है, आपको प्ले करने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और साथ ही साथ इन गेम्स की रिक्वायरमेंट भी इसी वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। जो मेरी लिस्ट का पहला गेम है दोस्तों, उसका नाम है शिन विडो की 2। ये गेम फुली फाइटिंग गेम रहने वाला है, जिसको प्ले करने में आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। इस गेम की ग्राफिक क्वालिटी की बात करूँ तो ग्राफिक क्वालिटी डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है दोस्तों। और इसमें आपको डिफरेंट करेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जो इनमें एबिलिटीज होती है ना, वो इनकी बहुत मुझे अमेजिंग लगती है। तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई कीजिए। इस गेम के साइज़ की बात करूँ तो ये लगभग 800 MB के आसपास होगा दोस्तों। इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 1 GB रैम वाला मोबाइल फ़ोन तो होना चाहिए, जो कि आपके पास होगा तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई कीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। जो मेरी लिस्ट का सेकंड गेम है दोस्तों, उसका नाम है गोस्ट राइडर। इस गेम के बारे में बात करूं दोस्तों तो ये एक स्टोरी बेस्ड गेम है, जिसमें आपको बहुत एडवेंचर देखने को मिलता है। और इस गेम के ग्राफिक्स की बात करूँ तो ग्राफिक्स बहुत ही अच्छे हैं, आप देख ही सकते हैं कितने बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं इस गेम में। और इस गेम के बारे में बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको डिफरेंट बॉसेस देखने को मिलते हैं, क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, जिससे फाइट करने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो आप इस गेम को ज़रूर ट्राई कीजिए। ग्राफिक क्वालिटी आपने देख ली है, साउंड इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। इस गेम के साइज़ की बात करूँ दोस्तों तो ये गेम आपको 200 या 300 MB में कंप्रेस्ड फाइल मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। तो उसको डाउनलोड करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपको 300 या 350 MB की रहने वाली है। जो मेरी लिस्ट का तीसरा गेम है दोस्तों, उसका नाम है टॉम राइडर अनवेंसरी। इस गेम के बारे में बात करूं दोस्तों तो ये गेम एक सर्वाइवल गेम रहने वाला है, जिसमें आपको अलग अलग क्रीचर्स देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा और पजल्स को सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों अपनी इंटेलिजेंस के साथ। और ये गेम स्टोरी बेस्ड गेम रहने वाला है, जिसको आपको प्ले करने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। इस गेम के साइज़ की बात करूँ तो तकरीबन 1 GB का इसका साइज़ रहने वाला है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद शायद 1.5 GB या 2 GB का हो जाए। और इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 2 GB रैम वाला मोबाइल फ़ोन तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ आपके मोबाइल फ़ोन में 2 GB मेमोरी भी फ्री होनी चाहिए। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। जो मेरी लिस्ट का फोर्थ गेम है दोस्तों, उसका नाम है GTA वॉइस सिटी। ये गेम बहुत पॉपुलर गेम है PPSSPP पर, क्योंकि इस गेम को हर बंदा पसंद करता है। और अगर आप किसी से पूछ लो क्या तुमने GTA वॉइस सिटी खेली है, तो वो आपको डेफिनेटली कहेगा कि हाँ मैंने खेली है। और साथ ही ये गेम अपने समय में वन ऑफ द बेस्ट गेम रही है दोस्तों। और इस गेम के बारे में बात करूं तो ये एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर गेम है, जिसमें आपको स्टोरी मोड भी देखने को मिलता है। इस गेम के साइज़ की बात करूं तो ये लगभग 800 MB में आपको डाउनलोड करने के लिए फाइल मिल जाएगी, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये 1 से 1.5 GB की जगह लेगी दोस्तों। इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम 2 GB या 2.5 GB रैम वाला कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है, तभी तो आप इस गेम का पूरा मज़ा उठा सकते हैं दोस्तों। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जो मेरी लिस्ट का फिफ्थ नंबर का गेम है दोस्तों, उसका नाम है Spider-Man 3। इस गेम के बारे में बात करूं तो ये गेम एक स्टोरी बेस्ड गेम रहने वाला है, जिसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल Spider-Man 3 मूवी की तरह ही है दोस्तों। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इस गेम में क्या होना है, अगर नहीं देखी तो मूवी देख लेना, मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और गेम भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। गेम के ग्राफिक्स की बात करूं तो ग्राफिक्स बहुत ही अमेजिंग रहने वाले हैं, आपको गेम खेलने वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये गेम PSP पर बहुत पॉपुलर है,
इस गेम के साइज़ की बात करूं तो ये लगभग 1.5 GB इसका साइज़ होगा दोस्तों, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये लगभग 2 GB की हो जाएगी। तो आपको इस गेम को प्ले करने के लिए कम से कम 3 GB रैम वाला या मिनिमम 2 GB रैम वाला मोबाइल फ़ोन तो होना चाहिए, जिस पर ये अच्छी तरह वर्क कर सके, और आपके मोबाइल फ़ोन में 2 GB मेमोरी भी फ्री होनी चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए। जो मेरी लिस्ट का आखिरी गेम है दोस्तों, उसका नाम है गॉड ऑफ वार गोस्ट ऑफ स्पार्टा। ये PPSSPP पर मोस्ट ऑफ द फेमस गेम है दोस्तों, जिसके बारे में आपको जरूर जरूर पता होगा, और मेरा ये गेम फेवरेट गेम है। मैंने ये गेम 5-6 बार कंप्लीट कर खेल चुका है। इस गेम के बारे में बात करूं दोस्तों तो ये गेम वन ऑफ द बेस्ट गेम है ग्राफिक्स के मामले में, और जो गॉड ऑफ वार के गेम होते हैं उनकी स्टोरी लाइन बहुत ही अमेजिंग होती है दोस्तों। अगर आपने इस गेम को नहीं ट्राई किया है तो इस गेम को भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और खेल लिया है तो एक बार और खेल लेना ये वीडियो देखने के बाद। ये गेम फुल्ली ऑफलाइन रहने वाला है, क्योंकि आप इसको एमुलेटर से चला रहे हैं, और साथ ही जो इसके अमेजिंग बॉसेस होते हैं वो मुझको बहुत अमेजिंग लगते हैं। इनके साउंड इफेक्ट और ग्राफिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एंड्रॉयड फ़ोन में ये गेम बहुत ही अच्छी तरह वर्क कर जाएगा दोस्तों। और इस गेम के साइज़ की बात करूँ तो वो लगभग 1 GB रहने वाला है, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो 1.5 से 2 GB तक रह सकता है दोस्तों। और इस गेम को प्ले करने के लिए आपके पास 3 GB रैम वाला मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, जिसमें ये गेम बहुत ही अच्छी तरह वर्क करेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,